थाईलैंड की एक स्कूली बस में आग लग जाने से छात्रों समेत कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की आशंका है। दमकल और बचाव दल मौके पर है। अधिकारियों और बचाव कर्मियों ने ही ये जानकारी दी है। हादसे के दौरान झुलसने से कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। हादसा किस वजह से हुआ, इस बारे में अभी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोग भी बचाव और राहत दलों के साथ आग बुझाने और पीड़ितों की मदद करने में जुटे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बस उथाई थानी में एक स्कूल से छात्रों को ले जा रही थी और इसी दौरान इसमें आग लग गई। बचाव कर्मियों ने कहा कि आग की लपटों में कई युवा यात्रियों की मौत हो गई या वो घायल हो गए। जोर शोर 100 ट्रैफिक रेडियो नेटवर्क ने दोपहर 12:30 बजे जीव रंगसेट शॉपिंग मॉल के पास इनबाउंड फोहोन योशीन रोड पर बस में आग लगने की सूचना दी। वहीं ट्रैफिक पुलिस रेडियो ने कहा कि कई यात्रियों की मौत हो गई या वो घायल हो गए।